रुद्र है, महाकाल है, मृत्यु रूप विकराल है, नित्य है, निरंतर है, शांति रूप में शंकर है। जय हो महादेव। महादेव को याद करने वाले उन्हें अनेकों नाम से याद करते हैं, उनमें से एक नाम भोलेनाथ भी है। महादेव अपने भक्तों की तपस्या से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करते हैं। शिव के इस विशाल दिल के बारे में इतिहास में कई उदाहरण मिल जाते हैं। शिव का पवित्र जीवन सबके सामने है, मगर हमने क्या सीखा महादेव के इस जीवन से? हमारी औकात नहीं है कि हम महादेव इतना विशाल दिल खोल सके, मगर क्या शिव के परोपकार करने की भावना का एक भी कतरा हमारे अंदर नहीं है? क्या हमारे अंदर शिव के जैसी दया की भावना नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। हम लोगों में से कुछ ही लोगों के दिल में दया की भावना है और वही महादेव के सच्चे भक्त कहलाते हैं। अहमदाबाद के नवीन कुमार की आप बेटी सुनकर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नवीन कुमार पेशे से एक कारोबारी हैं और उनका कपड़े का कारोबार है। महादेव के चरणों में पूरा परिवार नमन करते आ रहा है और उनका कारोबार उम्मीद से भी ज्यादा है। नवीन कुमार कहते हैं उनकी दिनचर्या महादेव के चरणों से शुरू होती है। 4 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर महादेव को दूध चढ़ाने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। वह बचपन से ही ऐसा करते आ रहे हैं और आज उनकी उम्र 35 साल के लगभग हो चुकी है। नवीन जी कहते हैं महादेव के प्रति स्नेह और श्रद्धा की भावना दिल में ग्रह कर चुकी है। आज से 4 महीने पहले मैं रोजाना की तरह महादेव के दर्शन के लिए घर से मंदिर की ओर निकल चला। मंदिर के पास पहुँच कर मैंने एक दुकान से दूध लिया। मैं यहाँ से रोजाना दूध लिया करता था। मैं रोजाना देखता था कि एक आदमी जो दिखने में बहुत गरीब लगता था उसी दुकान के बाहर बैठकर सब कुछ देखता रहता था, पर कभी भी उसने कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मुझे भीख मांगने वालों से नफरत थी। मैं रोजाना उसे देखता था। सो हम लोग रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं क्योंकि यह हमारी पुरातन सभ्यता है और श्रद्धा भी। फिर मैं मंदिर के अंदर गया, पूजा की और वापिस आ गया। अगले दिन मैं मंदिर आया तो फिर वही आदमी उस दुकान के सामने बैठा था। मैंने दूध लिया और मंदिर की ओर बढ़ा तो वह आदमी उठ के मेरे सामने आया और बोला, मुझे दूध चाहिए, आप मुझे यह दूध दे सकते हो? मुझे एकदम से गुस्सा आया और मैंने कहा, यह दूध शिव के लिए है, मैं तुम्हें क्यों दूं? यहाँ से भाग जाओ, मुझे पूजा में विलंब हो रहा है। वह आदमी यहाँ से बिना कुछ कहे चले गया। अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया, पर मैंने उसे भगा दिया। जब 4th दिन उसने वैसा ही किया तो मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया तो उसने कहा कि मैं भी तो शिव के लिए ही दूध मांग रहा था और चला गया। मैंने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चल दिया। मगर मैंने जब मंदिर में प्रवेश किया तो मैं क्या देखता हूँ कि दूध तो काला पड़ चुका है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं दुकान पे गया और कहा, तुमने मुझे खराब दूध दे दिया। दुकानदार ने उसी वक्त मुझे दूध बदल कर दे दिया। अब मैंने देखा कि दूध पूरा सफ़ेद था और अब मैं मंदिर में फिर प्रवेश किया और दूध पुजारी जी को दे दिया तो पुजारी जी ने कहा, बेटा यह दूध तो काला है। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर भी मैं कुछ समझ नहीं पाया और दुकानदार को जाके बोलने लगा। दुकानदार ने कहा, हमारा दूध बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो, हमारी कोई गलती नहीं है। उस दिन मैं पहली बार महादेव को बिना दूध चढ़ाए घर वापिस आया और मेरा सारा दिन भी खराब निकला। दूसरे दिन मैंने अलग दुकान से दूध लिया और फिर मंदिर गया, मगर दूध फिर भी काला पड़ गया और मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ गया। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा और मेरे जीवन का समय भी अब खराब चलने लगा था। कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका था और एक रात मैं इतना टूट गया कि महादेव से कहने लगा कि महादेव मेरे से क्या गलती हो गई है, क्यों मुझे अपने से दूर कर रहे हो। उस रात मैं काफी रोया
अगले दिन फिर मैं दूध लेकर मंदिर गया और मंदिर में प्रवेश करते ही दूध फिर से काला पड़ गया। यह देखकर मैं वापस मुड़ ही रहा था कि एक बार फिर वह गरीब आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे यह दूध चाहिए, क्या आप दे दोगे? उस आदमी को देखकर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि जो कुछ भी हो रहा है वह कोई इत्तफाक नहीं है, जरूर शिव मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं। मैंने देर ना करते हुए वह काला दूध उसे दे दिया। वह आदमी दूध लेकर वहां से चल दिया और मैं भी उसके पीछे चुपचाप चलते गया। मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर उस आदमी ने एक बर्तन को साफ किया और उस बर्तन में आधा दूध को रख दिया और आधे बचे दूध को उसने थैले में डालकर रख दिया और बर्तन में रखे दूध को लेकर वह मंदिर आया और उस दूध को शिव जी में चढ़ाने के लिए उस पुजारी को दिया। और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही पुजारी ने वह दूध को शिवलिंग में चढ़ाया, शिवलिंग से स्पर्श होते ही वह दूध सफेद हो गया और उस गरीब आदमी ने वहां पूजा की। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, यह कैसे हो सकता है? मगर वह आदमी अब अपने घर के लिए निकला। वहां पर उसका एक छोटा सा बच्चा और पत्नी थी। वहां पर भी वह दूध सफेद हो गया और सभी ने वह दूध पिया। अब कुछ कुछ बात मेरे समझ आ चुकी थी और इसे पक्का करने के लिए मैंने उस दुकानदार से उस आदमी के बारे में पूछा। उस दुकानदार ने बताया कि यह आदमी पिछले 25 सालों से यहाँ पूजा करते आ रहा है, मजदूरी करके प्रतिदिन अपनी कमाई से दूध शिव जी को चढ़ाता था और वह उसके पिछले 25 सालों से श्रद्धा थी, मगर उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मगर उसका काम पिछले 4-5 दिनों से बंद हो चुका था, मजदूरी नहीं मिल रही थी, इस वजह से उसने अपनी पूजा के लिए दूध मांगा था और मैंने मना कर दिया था। आखिर में महादेव को अपना वह गरीब भक्त ही प्यारा था। मेरा दूध जो मेरे मन की तरह काला पड़ जाता था, जब वह दूध सच्चे शिव भक्त के हाथों से शिवलिंग से स्पर्श हुआ तो वह सफेद हो गया। आखिर में नवीन कहते हैं कि कड़कड़ में महादेव का वास है, वह किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। हमें जरूरत है अपने दिल को विशाल करने की और जरूरतमंद को मदद करने की और भूखे को अन्न देने की, यही सच्ची भक्ति कहलाती है। दोस्तों, महादेव को पाने के लिए किसी भी वस्तु या सामग्री की जरूरत नहीं होती, वह तो कड़कड़ में वास करते हैं। हर हर महादेव।